हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी औषधीय जड़ी बूटी लेकर आया हूँ जिसको लोग कचरा समझते हैं और जो खेतों में खूब उगती है, लेकिन लोग इसके औषधीय गुणों को ना जान करके इसे खरपतवार समझते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे इसकी कहीं कहीं पर खेती भी की जाती है। हमारे यहाँ गाँव में भी इसकी खेती होती है। दोस्तों, यह खाने में स्वादिष्ट तो है ही है, और इसका जो खट्टा नींबू जैसा जो इसका स्वाद आता है वह बहुत ही खाने को स्वादिष्ट बना देता है। दोस्तों, यह साग के रूप में खाया जाता है, इसे दाल में पकाकर खाते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ दोस्तों, यह बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इसे अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। दोस्तों, लोग इसको ढूंढते रहते हैं क्योंकि यह औषधियों का काम करता है। यह जो है खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ जो है बहुत सारी बीमारियों में फायदेमंद होता है, क्योंकि यह भरपूर रसायनों से भरपूर होता है। दोस्तों, इसका नाम आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आप पहचान गए हों। अगर आप ना पहचानते हों तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में इसका नाम है कुल्फा। कहीं कहीं पर दोस्तों इसे लोनी भी कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, हम आज आपको बताने चल रहे हैं कि ये जो कुल्फा है इसके औषधीय गुण क्या हैं, किस प्रकार से इसको खा करके आप अपने शरीर के अंदर इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं, खून की कमी अगर आपके अंदर है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, ये जो कुल्फा है पोषण की दृष्टि से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। यह जो है विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, और आप जानते हैं कि जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन खूब पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कुल्फा में भी जो है तरह तरह के जो है विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको इसके औषधीय गुणों के बारे में बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि कुल्फा गुणों से भरपूर एक ऐसी पत्तेदार सब्जी है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी बहुत उपयोगी औषधीय पौधों की सूची में शामिल किया है। वानस्पतिक आधार पर यह एक खाने योग्य जंगली पौधा है जो गांव से लेकर शहर तक कहीं भी बड़े आसानी से पाया जा सकता है। ये बाग बगीचों में, मैदानों में, सड़क किनारे कहीं भी अपने आप उगा हुआ दिख जाएगा, पर भोजन में इस्तेमाल होने की वजह से लोग इसे अपने बगीचों में लगाते भी हैं और यह बाजारों में भी उपलब्ध है। दोस्तों, कुल्फा की पत्तियां छोटी, मोटी और अंडाकार होती हैं। इसकी डंठल और पत्तियां रसीली और लसलसी होती हैं। पत्तियां खाने में हल्की खट्टी और नमकीन यानी कि खारी लगती हैं। कुल्फा की पत्तियां हरी और डंठल लाल भूरा रंग के लिए होता है। इनके रंग और आकार में क्षेत्रों के आधार पर थोड़ा सा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। इसके फूल अत्यंत छोटे और पीले रंग के होते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कुल्फा का साग बहुत ही प्रचलित व्यंजन है। इसे लोग दाल में डालकर, अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर, या फिर मांसाहारी व्यंजनों में गोश्त के साथ भी पकाते हैं, या मछली के साथ साइड डिश के रूप में भी खाते हैं। दोस्तों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुल्फा को बंगाली में बरालोनिया, गुजराती में मोटी कहते हैं, हिंदी और पंजाबी में कुल्फा, कन्नड़ में डोडा गोनी सोप्पू, मलयालम में कारिये चीरा, मराठी में गोल, उड़िया में पुरनी साग, तमिल में परुप्पी किराई और तेलुगु में इसे पप्पू कुरा कहते हैं। दोस्तों, पोषण की दृष्टि से कुल्फा विटामिन्स, मिनरल्स और डाइट्री फाइबर से भरपूर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीनॉइड्स का अच्छा स्रोत है। विटामिन और मिनरल संयुक्त रूप से शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र की सुचारू क्रिया, ऊर्जा निर्माण, हड्डियों और दांतों के निर्माण, और मजबूत मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की सुचारू क्रियाशीलता के लिए, और शरीर के द्रव संतुलन जिसे कहते हैं फ्लूइड बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहीं मिल जाए तो आप इसका जरूर उपयोग कीजिएगा। आप इसकी सब्जी बना के खाएं, आप इसे दाल में डाल के खाएं। एक बार आप खा लेंगे तो बार बार आपका खाने का दिल करेगा, क्योंकि दोस्तों ये स्वादिष्ट भी बहुत होता है और साथ में थोड़ा नमकीन खट्टा भी होता है, और साथ में आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको बता दें दोस्तों कि एंटीऑक्सीडेंट रोगों के रक्षा, रोकथाम और बचाव में सहायक होते हैं। कैरोटीनॉइड्स नेत्र रोगों, कैंसर और हृदय रोगों के होने के खतरों को कम करता है। कुल्फा विटामिन ए का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत वाली हरी पत्तेदार सब्जियों में से एक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वर्ग में ये राइबोफ्लेविन, नियासिन और पाइरिडॉक्सिन का अच्छा स्रोत है।
इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीज भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें अन्य पत्तेदार सब्जियों की अपेक्षा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय धमनी और स्ट्रोक से बचाने में सहायक है। इनमें फ्लेवोनॉइड्स और इल्कोलाइड्स वर्ग के तत्व भी उपस्थित होते हैं, जो इसे बहुत से रोगों से रक्षा, रोकथाम और इलाज में सक्षम बनाते हैं। कुल्फा का लसलसा गुण म्यूसिलेज, जो कि घुलनशील फाइबर है, की वजह से होता है। घुलनशील फाइबर हृदय रोगों, मधुमेह, मोटापे, कब्ज और दस्त से बचाव करने वाला होता है। कुल्फा शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला, रेफ्रिजरेंट, पेशाब को बढ़ाने वाला, डायूरेटिक, स्कर्वी से बचाव एवं उपचार में सक्षम, जीवाणुरोधी, ज्वरनाशक, रक्तशोधक, रेचक, मधुमेह रोधी, तंत्रिकाओं और लीवर को सुरक्षा प्रदान करने वाला, हृदय रोगों से बचाव करने वाला, किडनी फंक्शन को सामान्य रखने वाला, घाव पूरक, शोधरोधी और अल्सर रोधी होता है। दोस्तों, जब इतनी गुणे औषधि है तो आप इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? यह स्कर्वी यकृत की बीमारियों जैसे लिवर डिसफंक्शन, वायरल हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक लिवर डिसऑर्डर, अर्थात यदि कोई ज़्यादा शराब पीता है और उसकी वजह से उसका लीवर जो है वो लीवर डिसऑर्डर हो गया है, तो कुल्फा खाने से उसका लीवर डिसऑर्डर सही हो जाएगा। ये कमजोर पाचन, पाइल्स, कब्ज, कोलाइटिस, दस्त, कार्निया की अपारदर्शिता, अपेसिटीज ऑफ कार्निया और चर्म रोगों के इलाज में भी लाभकारी है। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रख सकता है, ये अर्थराइटिस होने की संभावना को कम करता है और इसके इलाज में भी उपयोगी है। इसमें रक्त में बढ़े हुए यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम और पोटेशियम के स्तर को कम करने का गुण भी पाया जाता है। दोस्तों, कुल्फा का पूरा पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके फूल और बीज में भी औषधीय गुण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं ये पौधा मिल जाता है तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए। भले ही आप औषधियों के रूप में ना करें तो आप इसे अपने भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करिए, ये अपना फायदा कहीं ना कहीं आपको देगा। दोस्तों, कुल्फा जिसे आप जो है पर्सलेन कहते हैं, एक बेहतरीन पोषक साग अथवा साग है। यह एक खरपतवार होता है जो बिना खेती किए ही खेती में मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसे अन्य नामों से जैसे कि लोना, लोना साग, कुल्फा, कुल्फा से भी जाना जाता है। कुल्फा के जो पोषक तत्व हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे एनर्जी है 1.5%, कार्बोहाइड्रेट 3%, प्रोटीन 2%, टोटल फैट 0.5%, कोलेस्ट्रॉल 0% और फोलेट्स 3%, नाइसिन 3%, पेंथोनिक एसिड 1%, पाइराडॉक्साइन 5.5% और रिबोफ्लेविन 8.5%, थायमिन 4%, विटामिन ए 44%, विटामिन सी 35%, सोडियम 3%, पोटेशियम 10.5% और कैल्शियम 6.5%, कापर 12.5%, आयरन 25%, मैग्नीशियम 17%, मैग्नीज 13%, फास्फोरस 6%, सिलेनियम 2% और जिंक 1.5%। इतना जो है इसके अंदर पोषण तत्व पाया जाता है। दोस्तों, चटपटे, खट्टे, नमकीन स्वाद से युक्त कुल्फा एक ऐसा साग है जो आश्चर्यजनक रूप से कैलोरीज में अत्यंत कम, केवल 16 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम है, लेकिन कई विटामिन व मिनरल संतृप्त होता है। कुल्फा विटामिन ए का स्रोत होता है और विटामिन ए हमारी दृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिन है। कुल्फा में विटामिन ए प्रति 1320 IU प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है, जो हमारी दैनिक आवश्यकता 44% की है। यह सबको साकों में विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा है। विटामिन ए संतृप्त आहार फेफड़ों व मुख व गले के कैंसर से बचाते हैं और त्वचा की आभा में भी लाभकारी माने जाते हैं। कुल्फा में विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है, साथ ही विटामिन बी के कुछ घटक भी इसमें पाए जाते हैं। सभी साग सब्जियों में केवल कुल्फा ही एक ऐसा साग है जिसमें सबसे अधिक ओमेगा 3 पाया जाता है, 350 mg प्रति 100 ग्राम। शोध बताते हैं कि ओमेगा 3 की कमी कई रोगों जैसे हृदय रोग, लकवा, ADHD और बच्चों के असामान्य विकास का कारक होता है। तो दोस्तों, जब कुल्फा सेहत के लिए इतना जरूरी है तो कुल्फे का प्रयोग क्यों ना करें? अगर आपको मसल्स की ऐठन हो रही है तो उम्र बढ़ाव के साथ साथ हमारे मसल्स और त्वचा अपनी लोच खाने लगते हैं, जिस कारण हमें गर्दन और जोड़ों में अकड़न जकड़न का अनुभव होता है। कुल्फा में 494 mg प्रति 100 ग्राम की उच्च मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है,
यह ऑक्सैलेट भी मिलता है। पोटेशियम और ऑक्सैलेट का संतुलित अनुपात ऐंठन जकड़न की समस्या से निजात दिलाने में लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, कुल्फा का उपयोग करने के लिए आप इसका साग बना सकते हैं। आप घरों में इसे मूंग या चने की दाल में पका सकते हैं, जिससे दाल में चरपरी खटास का स्वाद आएगा। ताजा कुल्फा में पुदीना, धनिया, अदरक और लहसुन इत्यादि मिलाकर स्वादिष्ट चटनी भी बनाई जा सकती है। यूरोपीय देशों में कुल्फा का सूप बनाया जाता है, जिसे लोग बड़े चाव से ब्रेड के साथ सेवन करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये जो सामान्य सी दिखने वाली जो है एक खरपतवार जैसी जड़ी बूटी है, ये कितने फायदे की है। अर्थात आप कोई साग सब्जी उगाते हैं, उसमें भी इतनी प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज तत्व और रासायनिक तत्व नहीं पाए जाते जितना कि इस कुल्फा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहीं भी मिल जाए तो आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और दूसरे दोस्तों को भी इसके लाभ के बारे में बताइए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।